हेलो फ्रेंड्स, मैं तो हमारे स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सिंपल सब्जी, जो बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी मैं। और इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है, उसको धोकर पहले उसका पानी बिल्कुल हटा लिया है और उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। तो हम बिल्कुल सिंपल भिंडी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अब सबसे पहले मैं कटोरी में मसाले डाल लूंगी। मैं नमक डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, और इन सभी मसालों को मैं पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। ये मैंने पेस्ट बना लिया है मसालों का, और इसमें मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। और इसमें सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग, और डालूंगी मैं अजवाइन। इसमें जीरा नहीं पड़ेगा भिंडी में, अजवाइन पड़ेगी। अजवाइन हमारी भुन गई है और हम गैस को कम कर देंगे, और ये जो पेस्ट बनाया है हमने इसमें थोड़ा सा ठीक से पानी हल्का सा डाल लेंगे, ताकि थोड़ा ये गीला ही रहना चाहिए। और इसे हम ऐड करेंगे और इस मसाले को हम तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 मिनट भुनने के बाद। देखिए ये जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, मसाला भुन गया हमारा। और अब मैं गैस को थोड़ा सा तेज़ करूंगी और इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और ये मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी। और इसे अच्छी तरह से चला दूंगी। ये मैंने भिंडी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं गैस कर दूंगी, बहुत बिल्कुल सिम पे कर दूंगी, गैस कम कर दूंगी, और भिंडी को ढककर पकने दूंगी कम आंच पर, और बीच बीच में इसे चलाती रहूंगी। तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है, अब हम देख लेते हैं सब्जी। ये देखिए धीरे धीरे ये अब लेस आने लग गया है सब्जी में, और ये लेस धीरे धीरे पकते पकते खत्म हो जाएगा एकदम। और इसी मसाले में, इसमें भिंडी में पानी नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। जो मसाला हमने घोला था बस उसी के लिए हमने पानी लिया है, और पानी नहीं डालेंगे हम इसमें। ये देखिए लेस आ रही है, ये लेस जब हम प्याज डालते हैं तो नहीं आता है, लेकिन प्याज के बिना भी भिंडी का टेस्ट अच्छा बनता है, काफ़ी अच्छी बनती है भिंडी। तो आप भिंडी अच्छे से गल गई है, और मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसे तेज आंच पर पलट पलट कर एकदम करारी कर लूंगी, और हल्का सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा बिल्कुल। और आपको अगर ज्यादा चटपटा खाना है तो इसमें आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च काट कर इसमें डाल सकते हैं। और यदि अगर बच्चे खा रहे हो तो हरी मिर्च काट कर मत डालिए, लंबे लंबे पीसेस डालिए, ताकि बच्चे आराम से निकाल सके, उन्हें पता चल जाए कि इसमें मिर्च है। तकरीबन 1 मिनट मैं इसको ऐसे ही पलट पलट कर करारा कर लूँगी, और फिर ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखिए भिंडी एकदम अच्छे से करारी हो गई है, और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। बोल में निकालने से पहले हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी इसमें डालेंगे, क्योंकि भिंडी में जरा खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी सिंपल सोवर भिंडी एकदम रेडी है। आप इन्हें ज़रूर पूरी या पराठे के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए और बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।